नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो जितने भी सारे लोग एसएससी सीजीएल 2017 में सिलेक्टेड हुए हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में आप जब ज्वाइनिंग करें तो आप एक सही तरीके से सरकारी काम को करें। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा घूस तूस लेने वाले काम मत किया करें। ठीक है, अब मेन बात पे हम चलते हैं। वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही बस है कि आप सभी को बताना कि ज्वाइनिंग कब तक एक्सपेक्टेड हो सकती है और कोर्ट केस के बारे में क्या हो सकता है वो बस बताना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सभी को पहले से पता ही होगा, आपने रिजल्ट का जो PDF था उसमें आपने पढ़ा होगा पॉइंट नंबर 12th पे, 11th नंबर पॉइंट भी यहाँ पर मैंने ले रखा है, बट 12th नंबर पॉइंट जो है मेन इम्पॉर्टेंट है। दिस रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन WP नंबर 234/2018 फाइल्ड बाई श्री शांतनु कुमार एंड अदर्स। ठीक है, ये पॉइंट हालांकि कुछ कुछ लोगों को डराने वाला भी है। ठीक है ना, कुछ कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ये रिक्रूटमेंट कैंसिल ना हो जाए। यार एक बात मैं आप सभी को मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी होता, थोड़ी सी भी 1% की प्रोबेबिलिटी अगर होती तो आपका SSC रिजल्ट जो है डिक्लेयर ही ना नहीं करती। ठीक है, यही कंडीशन CGL 16 वाले समय पे भी हुआ था। बस इसका कंसिक्वेंसेस क्या निकलने वाली वो आप सुन लो। ज्वाइनिंग हो सकता है कि आप सभी को दिया भी जा सकता है अगर डिपार्टमेंट चाह लेगी तो, बट जब तक CGL में क्या हुआ था, CGL में टोटल कोर्ट केस जो है ख़त्म हो गए थे, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी सभी के सभी स्टार्ट की गई थी। इस बार भी वही सीन हो सकता है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का केस जो है कब तक ख़त्म हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट वाले केस में थोड़ी सी बस फॉर्मेलिटी बस बची हुई है और वो फॉर्मेलिटी 1 मंथ में भी ख़त्म हो सकती है, 2 मंथ में भी। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि SSC कितना एफर्ट लगाती है और गवर्नमेंट अपना कितना एफर्ट लगा रही है। ठीक है, इस चीज़ पे तो ये जो है कोर्ट केस आप मान के चल सकते हो कि 1-2 मंथ के अंदर जो है समाप्त हो सकता है, उसके तुरंत बाद आप सभी की ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अगर आप एक रफ आइडिया के थ्रू अगर आप मान के चलो कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो मेरे अनुसार और कुछ कुछ जहाँ तक कुछ कुछ लोग बोलते हैं तो उन लोगों के अनुसार आप सभी नेक्स्ट ईयर के जून तक इस ज्वाइनिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर के जून तक आप ज्वाइनिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक और बात मैं यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि एग्ज़ाम को जो है कैंसिल अभी भी हो सकता है। मैं उनसे मैं क्लियरली मैं बात बोलता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही बिंदास रहें। इस चैनल पर मैंने कितना बार मैंने बोल रखा है कि ये जो है एग्ज़ाम सेफ़ है और इसे कैंसिल कराना इतना आसान नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ देखे होंगे बाहर में, बट इसका इस कोर्ट केस पे ये चीज़ नहीं है कि उन सभी चीज़ों का इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसलिए जितने भी सारे लोग सिलेक्टेड हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और CHSL का रिजल्ट जितने भी सारे लोग कर रहे हैं वो उनका भी रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, चलिए चलता हूँ मैं। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।